28 मई सन 2011 को रायगढ़ जिले के तमनार में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड का 2200 मेगावाट का एक्सटेंशन था। इसकी जन सुनवाई के दौरान डॉक्टर हरिहर पटेल और रमेश अग्रवाल इन लोगों को गलत आरोप लगा करके जेल में डाल दिया और आज भी इनकी जमानत नहीं हुई। जिंदल उद्योग ने जमीन गैरकानूनी तरीके से हथियाए हैं, लोगों के जमीन पर मलबा डाल दिए, लोगों के जमीन पर जबरन कब्जा किया है, रायगढ़ का जो पर्यावरण उसको नुकसान किया है, यहाँ जो केलो नदी बहती है उसको प्रदूषित किया है। रमेश अग्रवाल ने, हरिहर पटेल ने जिंदल उद्योग के गैरकानूनी कामों का, उसकी अनियमितता का, उसके भ्रष्टाचार, उसके आतंक का आलोचना किया और उस परियोजना को निरस्त करने और स्वीकृति न देने की बात कही। जिंदल ने चिढ़ के हमारे दोनों साथियों पर झूठे मुकदमे रिपोर्ट किए और उस पर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। रमेश अग्रवाल और हरिहर पटेल सो रहे थे अपने घर में, उनको उन्होंने जबरदस्ती उठाया और वहीं से जिस हालात में थे उनको पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाई और इनको सीधा तमनार थाना ले गई। उद्योगपतियों के प्रेशर में शासन प्रशासन बहुत आ गया है, आज भी है, जिसके चलते रमेश अग्रवाल हरिहर पटेल का जमानत होने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर जिंदल का ये आरोप है कि इन्होंने जनता को भड़काया और जिंदल के अधिकारियों को धमकाया। शासन की जो औद्योगिकरण की नीति है उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को निरंतर झूठे प्रकरणों में प्रताड़ित किया जाता रहा है और इसी क्रम में हमारे जो अभी साथी जो गिरफ्तार हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी रिहाई की मांग को लेकर के आज हम लोग एकजुट हुए हैं। जनतांत्रिक मुद्दों को लेकर के अन्याय के खिलाफ लड़ने का अधिकार हर नागरिक को है इस प्रजातांत्रिक देश में, जहाँ प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, ऐसे में हम चुप नहीं बैठेंगे और इस लड़ाई को हम दिल्ली तक ले जाएंगे। इन संगठनों का कहना है कि लोहा नहीं अनाज चाहिए और ये एक पहेली है कि ये विकास है या अविनाश, ये पहेली अपनी जगह अनबूझ है। रायगढ़ से मैं सरवत नकवी, वीडियो वॉलंटियर के लिए।